नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़, राजस्थान के बाद अब तेलंगाना के चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैली और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ PCCG दीपक बैज भी तेलंगाना में चुनाव प्रचार के रण में उतर चुके हैं। इसके अलावा कवासी लखमा समेत छत्तीसगढ़ सरकार के कई और नेता और मंत्री चुनाव प्रचार करते वहां नजर आने वाले हैं। इधर रायपुर में PCC चीफ दीपक बैज तेलंगाना दौरे को लेकर बोल रहे हैं कि हाईकमान ने जो जिम्मेदारी दी है वो उसे पूरा करेंगे। उन्होंने गैस सिलेंडर को हो रही सियासत को लेकर भी बीजेपी को टारगेट किया और कहा है कि किसी राज्य में सस्ता सिलेंडर मिल रहा है और कहीं पर महंगा सिलेंडर दिया जा रहा है, ये केंद्र का कौन सा न्याय है। प्रचार करने जा रहे हैं, 3 दिन रहेंगे, 25, 26, 27, 28 तक 4 दिन, और वहां कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कुछ विधानसभा सीटों के लिए, उन विधानसभा सीटों में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। मुझे लगता है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश को एक नजरिया से नहीं देख रही है। किसी राज्य में सस्ता सिलेंडर और पूरे देश में महंगा सिलेंडर, ये कौन सा न्याय है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारती दिख रही है 500 सिलेंडर का घोषणा करने के बाद। इसी का नतीजा है कि राजस्थान में 450 करना पड़ा उनको, मतलब समझ लीजिए आप, कहीं ऐसा ना होगी तेलंगाना में 300 करना पड़े। मतलब सीधा सीधा साफ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि छत्तीसगढ़ में हारते हुए दिख रहा है, और इसी का नतीजा है 450 रुपये सिलेंडर राजस्थान में, और आखिर पूरे देश में 1200 में मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 450 और 500 क्यों, पूरे देश में एक रेट क्यों नहीं। जहां 400 का सिलेंडर को 1200 पहुंचाए भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया, लेकिन आज सिर्फ चुनावी फायदा के लिए, चुनावी लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सस्ता देने सिलेंडर को 450 रुपये देने का काम कर रही है। बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी कह रहे हैं कि एक सीट पर कलेक्टर की शिकायत से पूरे प्रदेश के रिजल्ट को तय नहीं किया जा सकता। देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया में कहीं संदेह होता है तो चुनाव आयोग को शिकायत होती है और चुनाव आयोग संज्ञान में लेता है और उसको उचित पाता है तो कार्रवाई करता है। इससे ये कहां से बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही इसलिए शिकायत कर रही। अरे, एक सीट एक कलेक्टर के शिकायत से कोई प्रदेश के चुनाव परिणाम से जोड़ा जाना चाहिए क्या? अगर उस कलेक्टर ने कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है, चुनाव आयोग जांच करेगा, निश्चित रूप से हम तथ्यात्मक उनको जानकारी दिए और तथ्यों की जानकारी के आधार पर चुनाव आयोग जांच करके निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा कलेक्टर को। बस्तर संभाग के बीजेपी चुनाव प्रभारी संतोष पांडे जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी की जीत का दावा किया है। संतोष पांडे ने यहां पर पार्टी कार्यालय में बीजेपी प्रत्याशियों और जिला अध्यक्षों की बैठक ली और तमाम नेताओं ने मतदान के बाद की स्थिति के बारे में जानकारी उन्हें दी। इसके बाद उन्होंने बस्तर समेत पूरे प्रदेश में जीत का दावा किया और कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी की बयार है और उन्होंने कुछ सीटों पर मुकाबला 50-50 होने की बात भी मानी। साथ ही दावा किया कि PCC अध्यक्ष दीपक बैज को बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मात दे रहे हैं। क्या लगा? मैं तो ये कहूंगा कि आप नीचे तक जाकर के देखें, परिवर्तन की हवा, परिवर्तन की आंधी बह रही है और लोग अब मुखर होकर के कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह। कोई सीटों पर टक्कर वाली बात उसको नकार नहीं सकते। ऐसे अपन कुछ सीटें निकाले हैं जिसमें ऐसे लगभग 10-11 सीट है जिसमें स्वाभाविक है टक्कर है और ऐसा 50-50 जैसा कहते हैं तो उसमें जो है वो उससे इनकार नहीं करते।
अगली खबर रायपुर से, जहां पर राजधानी के सर्किट हाउस में मतगणना के अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। अधिकारियों को मतगणना की बारीकियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। बलौदा बाजार और रायपुर संभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी यहां पर कर रखे हैं। तो 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। जगदलपुर में जिला कलेक्टर ने मतगणना की सारी जिम्मेदारी नारी शक्तियों के कंधे पर दी है। जिला प्रशासन ने 300 कर्मचारियों को इसके लिए तैयार कर दिया है। प्रशासन के मुताबिक आदर्श महाविद्यालय में मतगणना होगी। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के भी इंतजाम कर लिए हैं। December 3 को हमारे तीनों विधानसभा क्षेत्रों के जो मतगणना जो है हमारा इंग्लिश मीडियम जो कॉलेज है उस परिसर में होना है। इस हेतु सभी तैयारियों, सुरक्षा की जो कॉर्डन की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था और लोगों का आने जाने का व्यवस्था, सब चीज़ सुनिश्चित कर ली गई है। और मतगणना की पूरी प्रक्रिया में हमारे ज़िले में पूरी प्रक्रिया को महिला कर्मचारियों के द्वारा की जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस हेतु आज सभी लगभग 300 लोगों को 2 चरणों में ट्रेनिंग भी हम लोगों ने, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग जो है उसको हम लोगों ने कम्प्लीट भी करा लिया है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे ज़िले के लिए कि हमारे ज़िले में हुए मतदान की पूरी प्रक्रिया का जो काउंटिंग जो है हमारे महिला कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। और उनका मैं हौसला बुलंद रखना चाहूँगा ताकि वो अच्छे से पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करा सके। सर, कितने महिला कर्मचारी? तीनों विधानसभा का देखेंगे तो ऑन एन एवरेज एक विधानसभा में 60 से 70 महिलाएँ रहेंगी, तो तीनों मिलाएंगे तो 200 से लेकर 220 महिलाएँ उसमें। तो जैसे जैसे मतगणना की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे तैयारियां और तेज़ हो चली हैं। मुंगेली जिला की बात करें तो जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर राहुल देव मतगणना की पूरी तैयारी पर नज़र बनाए हुए हैं। उनकी निगरानी में मतगणना कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। SP चंद्रमोहन सिंह भी कलेक्टर राहुल देव के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। दोनों अधिकारियों ने रिटर्निंग ऑफिसर, मास्टर ट्रेनर समेत मतगणना से संबंधित अधिकारियों की बैठक भी ली है। गया और निर्देश दिए गए हैं, चूंकि कई प्रकार के अरेंजमेंट्स करने होते हैं, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसके लिए हम विभागों को हमने लगाया है और उसकी तैयारी संभवतः 1 से 2 दिवस में कर ली जाएगी। मैं खुद जाकर उसको निरीक्षण करके उसको अप्रूव करूंगा, उसके बाद वो तैयारी पुख्ता होगी और वहां पर फिर मतगणना का। और चलिए बढ़ते आगे, खबर बिलासपुर से, जहां पर BJP के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इस मौके पर अरुण साव ने परिवार समेत रतनपुर जाकर मां महामाया की पूजा अर्चना की। यहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने केक काटा और अपने प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया। हिंदुस्तान में चुनाव कहीं भी हो, किसी भी स्तर का हो, छोटे बड़े शहरों, गली चौक चौराहों, पान या चाय की दुकान, इसकी चर्चा के बिना चुनाव अधूरा होता है। चाहे वो इलेक्शन से पहले हो, चुनाव प्रचार के दौरान हो, मतदान के बाद हो, नतीजों से पहले वाली चर्चा हो। लेकिन मुंगेली में चाय की दुकान चलाने वाले दुकानदार ने चाय की चुस्की के साथ होने वाली चुनाव की हार जीत की चर्चा पर रोक लगा दी है, ब्रेक लगा दिया है। दरअसल मुंगेली में चाय पान की दुकान का संचालन करने वाले महावीर सिंह अपनी दुकान पर एक पोस्टर लगा चुके हैं। इसमें उन्होंने लिख दिया है कि 3 दिसंबर का कर लीजिए प्लीज इंतजार, वोटों की गिनती होगी, उसके बाद हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, आप लोग जबरन लोड मत लीजिए। इस पोस्टर लगाने के पीछे महावीर सिंह की दलील यह है कि यहां लोग चाय पाने के लिए आते हैं और रिजल्ट को लेकर चर्चा करने लग जाते हैं, और जब चर्चा होती है तो अलग अलग दलों के समर्थक भी आ जाते हैं और फिर चर्चा विवाद में तब्दील हो जाती है, विवाद मारपीट में हो जाता है और फिर मारपीट इस हद तक हो जाती है कि उनकी दुकानदारी होती है प्रभावित। इसलिए उन्होंने अपनी चाय की दुकान पर चुनावी चर्चा करने से परहेज करने की अपील अपने ही ग्राहकों से की है। सुबह से चाय पीने आते हैं लोग, उसके बाद फिर चालू हो जाता है चर्चा कि यहाँ से ये जीत रहा है, वहाँ से वो जीत रहा है, यहाँ से ये समीकरण बन रहा है, राजनीतिक विशेषज्ञ बन जाते हैं, फिर वाद विवाद की स्थिति आज शर्त वर्त लगने लगता है, फिर दोनों पार्टियों के जो समर्थक हैं उनके बीच में हाथापाई तक की स्थिति आ गया था, इसलिए सब उपाय करना पड़ रहा है। लगाया गया है कि 3 तारीख का इंतजार करिए, अपना बहसबाजी मत करिए, 3 तारीख को सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद फिर जो भी होगा फैसला जनता कर रहेगी।
तो छत्तीसगढ़ में मतदान के बाद जैसे जैसे नेताओं और तमाम राजनीतिक पार्टियों की नज़र नतीजों पर टिकी हुई है, उतनी ही बेसब्री से प्रदेश के किसान भी नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। बल्कि किसानों को तो नई सरकार बनने की राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा जल्दबाजी है, और यही वजह है कि प्रदेश के तमाम जिलों की तरह मनेन्द्रगढ़ में भी किसान खेतों में खड़ी अपनी फसल को काटने से कतरा रहे हैं। दरअसल किसानों को प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों के चुनावी वादे पर भरोसा है। आपको बताएं कि बीजेपी ने प्रदेश में 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया था, इसके बाद कांग्रेस ने 3,200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया। लिहाजा किसान नई सरकार बन जाने के बाद नई कीमत पर धान बेचने की उम्मीद में बैठे हैं। कम हुई है बरसात के कारण, 20% से 25% तक कमी है फसल में, और लेट कटाई भी हो रहा है। और हम किसानों की यही सोच है कि थोड़ा 3 तारीख का इंतज़ार कर लें, सरकार किसकी बनती है। और 3100-3200 का दावा एक दूसरे ने, कांग्रेस और बीजेपी ने किया है, तो जिसकी भी सरकार बने किसान को फायदा होना चाहिए, इसलिए 3 तारीख के बाद ही धान बेचने का इरादा बनाए हैं। अभी हो गया चुनावी माहौल था, इसके वजह से अभी नहीं काट पाए हैं हम लोग। कब तक आप जाएंगे बेचने? हो गया वही 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे लगभग। कि गरीब लोग हम सुबह से उठे थे, धान काटे जाए थे, और दिन भर में आते हैं और धान को काट बाल बच्चा छोड़ के जाते हैं। अब पानी कम गिरने के कारण फसल कम हो गया है, तो अभी तक धान नहीं कटा है भैया। सुने हैं कि रेट बढ़े वाला है, तब धान को बेचेंगे। खरीदी की तैयारी सभी कुछ कर लिया गया है और पूरी तरह से हम तैयार हैं धान खरीदने के लिए, किंतु अभी तक किसानों के द्वारा टोकन के लिए नहीं आया जा रहा है समिति में, इस कारण से खरीदी प्रारंभ नहीं हुई है। कुछ किसानों का कहना है कि भी हमारा कटाई में जाए भी नहीं हो पाया है, और वो भी चल रहा है। और कुछ किसानों को ये चुनाव के कारण थोड़ा सा आगे पीछे हो गया उनका कटाई, वो भी लेट हो रहा है, और इस महीने से धान आने की संभावना, इस महीने से धान आने लगेगा। और जगदलपुर जिले के किसानों का हाल भी कुछ मनेन्द्रगढ़ के किसानों के सरीखा है। यहाँ के किसान भी अपनी फसल सरकार बनने के बाद ही काटना चाहते हैं, लेकिन इनके सामने सिर्फ सरकार बनने के इंतजार की ही चुनौती नहीं है, इनके सामने एनएमडीसी स्टील प्लांट से निकलने वाला दूषित पानी भी बड़ी मुसीबत का सबब बना हुआ है। किसान अपने खेतों में खड़ी धान की फसल अभी काटना नहीं चाहते, दूसरी तरफ एनएमडीसी स्टील प्लांट से निकलने वाला जहरीला पानी इनकी फसलों को खराब करता जा रहा है। यहाँ के किसानों की सिर्फ ये समस्या इस बार की नहीं है, लंबे समय से नगरनार के प्लांट से इंद्रावती नदी तक खेतों में खड़ी फसलों को निकलने वाले पानी से नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसान जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या का कोई समाधान निकल नहीं पाया है। जहां पूरे प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं बस्तर में हालात दूसरे हैं। बस्तर का सपनों का कारखाना कहलाने वाले एनएमडीसी प्लांट से जो पानी निकल रहा है, वो किसानों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। प्लांट से निकलने वाला काला पानी, जहरीला पानी, फसलों को पूरी तरह चौपट कर चुका है। आप देख सकते हैं लगभग 200 एकड़ की जो फसल है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अभी खरीदी केंद्र का समय है, ऐसे में किसान फसलों को काट भी नहीं सकते क्योंकि फसल पूरी तरह से चौपट हो चुका है। किसान लगातार इस मामले को लेकर जिला प्रशासन एनएमडीसी प्रबंधन से भी लगातार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ है। जो किसान है वो काफ़ी मायूस है और आत्महत्या करने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और एनएमडीसी प्रबंधन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करता है तो किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि किसानों ने कई प्रकार का कर्ज लिया है और कर्ज अदा करने के लिए किसानों के लिए एक बड़ी समस्या सामने आ गई है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। और बड़ी खबर की बात करते हैं, राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांग्लादेशी गिरोह पर शिकंजा कसा गया है। बांग्लादेशी चोर गिरोह के सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें आरोपी फातिमा और यास्मीन को पकड़ लिया गया है। पश्चिम बंगाल के बासरा से इनकी गिरफ्तारी की गई है। सिद्धि विनायक कॉलोनी में चोरी की वारदात दरअसल हुई थी और बांग्लादेशी गिरोह ने लाखों रुपए की चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद इन दो लोगों को पकड़ा गया, दोनों महिलाएं हैं, और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 3.5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं।
तो पुलिस को पश्चिम बंगाल तक खाक छाननी पड़ी और लंबे अरसे से इनकी तलाश की जा रही थी। बांग्लादेशी गिरोह ने लाखों की चोरी की वारदात अंजाम दी थी और आखिरकार पुलिस को यह कामयाबी मिल गई। युगल तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, पूरी ये घटना बताएं कि ये वारदात कब अंजाम दी गई थी, पुलिस कैसे पहुंची, क्योंकि पश्चिम बंगाल से इनको पुलिस ने राउंड अप किया है। ये पुलिस देखिए बिल्कुल ये छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी चोर गिरोह अलग अलग जिलों में वारदात को अंजाम देते हैं। 17 नवंबर की ये चोरी की घटना हुई थी, सोने मकान से जो ग्रिल काट करके चोरी की गई थी, लगभग 15 लाख रुपए से अधिक की चोरी हुई थी और ये बांग्लादेशी चोर गिरोह है। जैसे ही ठंड का समय आता है ये काफी सक्रिय हो जाते हैं और लोगों को झांसे में देते हैं। कई जगह ये वारदात पता चला है कि महिलाओं को ज्यादातर ये जो चोर गिरोह है वो निशाना बनाते हैं और उन्हें अपने विश्वास में लेकर के इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। और अभी फिलहाल मुख्य आरोपी है वो फरार है, फातिमा और यास्मीन दो महिला है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये किराए के मकान से रहते हैं, इससे पहले दुर्ग में भी एक मामला सामने आया था और जो बांग्लादेशी चोर गिरोह ने उसने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था कि 1500 रुपए में बॉर्डर पार कर लेते हैं और लगभग 1500 रुपए में जहां चाहते हैं वहां आधार कार्ड इनका बन जाता है। तो ये काफी चौंकाने वाली बात है। फिलहाल पुलिस है ये पूरे मसले की जांच है वो कर रही है और इस चोरी की घटना में फिलहाल आरोपी है उसे दबोचने का। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाकी जो आरोपी हैं उनको पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। 15 लाख रुपए की चोरी की वारदात हुई थी, 3.5 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए। बढ़ते आगे जांजगीर चांपा में देह व्यापार का खुलासा हुआ है। शिवरी नारायण में देह व्यापार का खुलासा हुआ, मेला ग्राउंड के पास ये पूरा गोरख धंधा जो है गंदा धंधा चल रहा था। संचालिका के साथ 3 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं, 2 पुरुष, 4 महिलाएं संदिग्ध अवस्था में पकड़ाए हैं। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। चांपा एसडीओपी की अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो सेक्स रैकेट का खुलासा यहां पर पुलिस ने किया है, 2 पुरुष 4 महिलाएं यहां पर गिरफ्तार किए गए। शिवरी नारायण के मेला ग्राउंड में एक मुखबिर के माध्यम से कुछ दिनों से सूचना शिकायत मिल रही थी कि वहां द्रौपदी भट्ट नाम की एक महिला है, वो अपने घरों में पिछले कई महीनों से बाहर से लड़कियां बुलाकर अनैतिक व्यापार धंधा कराती है। इस सूचना के आधार पे पुलिस की आज एक टीम वहां पर पहुंचकर रेड की, जिसमें 3 महिलाएं और संचालिका द्रौपदी बाई और 2 जो ग्राहक हैं वो मौके पर अनैतिक व्यापार धंधा करते हुए पकड़े गए हैं। उनके पास से आपत्तिजनक सामान और लेन देन किए गए रुपये पैसे और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। चलिए बड़ी खबर बालावत से आ रही है, जहां पर बुजुर्ग महिला से 1000 रुपए की चोरी की वारदात अंजाम दे दी गई। दरअसल एटीएम से महिला ने पैसे निकाले और फिर ये महिला राशन की दुकान पर पहुंचती है, राशन लेने के लिए महिला पहुंचती है और कुछ सामान ले रही होती है। तभी एक शातिर चोर उसके महिला के नज़दीक आता है और इतने शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देता है कि महिला को भनक तक नहीं लगती। चोरी की पूरी वारदात हालांकि सीसीटीवी में कैद हो गई है और देख सकते हैं कि ये शातिर चोर जो है यहाँ पर कैसे खड़ा रहता है नज़र बचाकर और इस वारदात को अंजाम देता है। इसकी तस्वीर जो है कैमरे में कैद हो गई है। महिला ने नज़दीकी थाने में मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में लगी है। बालोद जिले के डोंडी नगर का ये मामला है। भगवान के दर पर जहां लोग अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचते हैं, वहीं बदमाशों ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा। अंबिकापुर से खबर, जहां पर ढोढा गांव के दुर्गा मंदिर में चोरी की वारदात अंजाम दी गई। चोर यहां पर दान पेटी का ताला तोड़कर पैसे ले उड़े। एक सप्ताह में दूसरे मंदिर में ये चोरी की घटना है। पहले भी एक वारदात हो चुकी। चोरी की जानकारी पुलिस को खबर कर दी गई है, दे दी गई है। पुलिस ने अब मामले की जाँच शुरू कर दी। और आइए अब देखते हैं।